हेलो गाइस, हाउ इज एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रैटेस। दिस इज़ रणधीर प्रताप सिंह। आज एक बहुत स्पेशल व्लॉग है। काफ़ी टाइम से आप लोगों को पता है हम क्वारंटीन में थे, लॉकडाउन में थे, एंड हम इतने टाइम से घर से व्लॉग बना रहे थे, मैं और कोमल दोनों। हम दोनों डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं। कोमल बीकानेर में रहती है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो हम दोनों डिफरेंट प्लेसेस में होने की वजह से हमारी व्लॉग्स की जो हम क्वालिटी लाते हैं या हमारे व्लॉग्स का जो टाइप का कॉन्टेंट है वो हम बना नहीं पा रहे थे। अब अनलॉक 2.0 चल रहा है, इंटर स्टेट बॉर्डर्स खुल चुके हैं एंड मैं अब दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर सकता हूँ। तो सोचो मैं क्या कर रहा हूँ। आई एम श्योर आप लोगों को आंसर पता है, मैं बीकानेर जा रहा हूँ आज। आज हम दिल्ली टू बीकानेर करेंगे कार राइड। अकेला हूँ मैं आज, उसको लेने जा रहा हूँ। वहाँ पर चलते हैं, उससे मिलते हैं, उसको उठाते हैं, फिर आते हैं दिल्ली और फिर खूब सारा कॉन्टेंट बनाते हैं जो आसपास के एरियाज़ हैं। पर फिर वो तो बात की बात हुई, आज की बात करते हैं। आज चलते हैं रोड ट्रिप पर। 500 किलोमीटर के आसपास दिल्ली से बीकानेर है। मैं मेन NH8 वाले रास्ते से नहीं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा झज्जर और बीच में से हरियाणा में से होते हुए, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है। यहाँ से 475-480 के आसपास लगता है डिस्टेंस टोटल। और अभी मैं आज थोड़ा आराम से उठाऊँ, 8:30 बज रहे हैं अभी। वेदर आज दोस्तों बहुत गर्म है दिल्ली में। आप लोगों को पता, जितने भी लोग दिल्ली में, कि दिल्ली में बेहद गर्मी पड़ रही है, पर वैसे उससे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आज हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रिप की एक्साइटमेंट में दोस्तों अपना रूटीन करना नहीं भूलते, चाहे हम बाइक राइड कर रहे हो, चाहे हम कार राइड कर रहे हो। ट्रैवल तो हम कर रहे हैं ना, तो अपने गॉड से हमेशा की तरह प्रे करेंगे कि वो हमारा और हमारी कार का ध्यान रखे, ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन पर बिल्कुल सेफली और साउंडली पहुँच जाएँ और आप लोगों के लिए कुछ ज़बरदस्त कॉन्टेंट क्यूरेट करें, ताकि आपको भी लगे कि आप हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हो। राइट, अभी मैं खड़ा हुआ हूँ मीराबाग में, और अब मैं पीरागढ़ी से लेफ्ट लेकर बाहर निकल जाऊँगा रोहतक की तरफ। तो पहले रोहतक से बाहर निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आराम से, है ना। तो चलो कोमल को लेके आते हैं। घर से काफ़ी देर से निकला था, 8 बजे मैं घर से निकल गया था। 8:30 बजे मैंने 24/7 से थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लिया था। तो मेरे को पहली बार हुआ कि मैं इतना लेट निकला हूँ, और क्योंकि लेट निकला हूँ तो रोडों पे काफ़ी ट्रैफिक था, बाईपास पर बहुत ट्रैफिक था। मैं मेन बाईपास की बात नहीं कर रहा NH1 वाले की, मैं बाईपास रोहतक बाईपास की बात कर रहा हूँ, जो मेन रोहतक रोड है, वहाँ पर काफ़ी जाम लगा हुआ था मुंडका के पास। तो अभी 9:30 हो गए हैं एंड मैं बस रोहतक रोड वाले जो बहादुरगढ़ को जाती है उस रोड पर अभी बस चढ़ा ही हूँ। तो कोई बात नहीं, इंजॉय करते हुए चलते हैं मस्त आराम से। गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलते हैं अपना घूमते फिरते। थोड़ा बहुत बादल आ रहे हैं, देखो दोपहर तक में तो वेदर अच्छा हो जाएगा। अभी 9:30 बज रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 6 बजे से पहले बीकानेर पहुँच जाऊँ, क्योंकि कोमल कह रही है कि वहाँ पर शाम को कर्फ्यू लगेगा, और कर्फ्यू लगेगा तो इट माइट गेट प्रॉब्लमैटिक फॉर मी। तो बस फिर अभी चल रहे हैं बाहर का, मुझे कुछ खाना तो है नहीं। मैंने एक चिप्स ले लिया, एक पेप्सी ले लिया, एक बिस्किट ले लिया, छोटा सा 24/7 था रेड एंड ब्लू के नीचे वाला। बहादुरगढ़ वाला ये हाईवे बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है और यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत कम ही होता है। तो गाइस मैं भिवानी पहुंच चुका हूं, और अब यहां से ऑलमोस्ट 330-340 किलोमीटर्स के आसपास बीकानेर रह गया। और अभी मौसम बहुत अच्छा था, अभी सिटी में घुसते ही एकदम से धूप आ गई। ये है भिवानी शहर हरियाणा का। ऑलमोस्ट 150 के आसपास मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया है। देखो मैं कब तक पहुँचता हूँ, अराइवल टाइम तो मेरा 4:30 का दिखा रहा है, बट मुझे कहीं मेजर तो रुकना नहीं है, यहाँ पर थोड़ी रोड ख़राब है। तो अभी आएगा सादुलपुर, फिर उसके बाद आएगा रतनगढ़, और फिर मैं आ जाऊँगा वही जयपुर टू जैसलमेर, मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट स्मूथ हाईवे पे, बहुत ही अमेजिंग हाईवे है वो, उस पर गाड़ी या बाइक कुछ भी चलाना हो ना
इट्स अ ट्रीट। चलो कोई नहीं, अभी तो जिस रूट से मैं आ रहा था वो भी बहुत अच्छा था, तो मैं शहर में आ गया तो सिटी का तो आपको सबको पता ही है ट्रैफिक आ जाता है। गाइज मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ। ये जिस रोड पर मैं हूँ, जो रोड आपने जस्ट लास्ट बी रोल में जो देखी, जो ब्यूटीफुल सी एक ये रोड जा रही है और दोनों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई है। मैं जब फर्स्ट टाइम बीकानेर आया था ना दोस्तों, तब मैं गूगल मैप से आया था, मैं जयपुर हाईवे से नहीं गया था क्योंकि गूगल मैप से पहले भी डिस्टेंस कम दिखा रहा था। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ से चलते हैं न्यू रूट से राजस्थान को देख कर आते हैं हरियाणा के थ्रू होते हुए। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आया था 4 साल पहले या 5 साल पहले, तो मैं इसी रोड से गया था और ये रोड मेरी इनिशियल रोड्स में सबसे ब्यूटीफुल रोड थी। और उस टाइम रोड पूरी बिल्कुल टूटी पड़ी थी, बट ये रोड बहुत ब्यूटीफुल थी। मैं इस रोड को वैसे बहुत इंजॉय किया था मैंने, पर हाँ मैं इसमें ड्राइव करके बहुत थक गया था। तो इस बार जब मैं बीकानेर जा रहा हूँ तो मैंने सोचा कि यार उसी रूट से चलते हैं पहले रूट से, क्योंकि वो मेरा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ट्रिप था, उसमें मैंने बहुत मज़ा किया था। मैं फिर इतने सालों बाद इस रोड पर आया हूँ। ये बिल्कुल लोकल विलेजेस से होते हुए निकलती है हरियाणा के, अभी भिवानी था पीछे, और मतलब बिल्कुल लोकल रोड है ये, बट यहाँ पे ट्रक्स भी चल रहे होते हैं, यहाँ पे बसेस भी चल रही होती हैं। और ये रोड अब बिल्कुल नई बन चुकी है, एकदम स्मूथ रोड है, इतना अच्छा रोड और इतनी ब्यूटीफुल सीनरी, कोई पहाड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक नॉर्मल रोड, एक नॉर्मल बस लश ग्रीन जगह, इट्स ब्यूटीफुल। मेरे को थोड़ी ज़्यादा स्पेशल इसलिए लग रही है क्योंकि मेरे फर्स्ट ट्रिप से मेरे को इसकी थोड़ी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं इस वजह से। अब तो आया हूँ तो अब तो पूरी रोड नई बन चुकी है, अब तो पता भी नहीं चल रहा, पहले तो पूरे गड्ढे ही गड्ढे थे इसमें। मैंने कम से कम 20-30 किलोमीटर सिर्फ गड्ढों में चलाई थी। बाइक में गड्ढे पे चलाना इज डिफरेंट, गाड़ी में सिर्फ गड्ढे गड्ढे हो तो परेशान करता बंदा। वैसे भी मैं आई एम नॉट अ कार गाय, बाइक है ही नहीं तो बाइक पे कैसे जाऊंगा, राइट? ओ बाप रे बाप, ये जो रास्ता है जिससे आज मैं जा रहा हूँ, ये रास्ता हरियाणा के बिल्कुल कोर से जाता है, बिल्कुल सेंटर से होते हुए जाता है। एंड इस रूट में काफी जगहों पर डेंस फॉरेस्ट भी आता है, जैसे अभी मैं जिस जगह से जा रहा हूँ वहाँ पर दोनों तरफ फॉरेस्ट है, अब खेत आ गए एक दो, इतनी देर से फॉरेस्ट चल रहा था। तो ये ब्यूटीफुल बहुत है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट टू ट्रैवल ऑन दिस रोड रात को, क्योंकि कुछ भी नहीं है, गाँव भी बहुत दूर है और सारा खाली है, ट्रैफिक चलता है, बट हाँ रात को आई डोंट नो। मैं तो दिन में ट्रैवल कर रहा हूँ तो दिन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जैसे कभी आना चाहो तो रात को कभी यहाँ से मैं ट्रैवल करो, अगर आपको रात को कभी बीकानेर से दिल्ली आना हो तो हमेशा मेन वाला रोड लो, जो जैसलमेर जयपुर वाला रोड है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन मत कंसिडर करो, क्योंकि बीच में से आपको नहीं पता ना लोकल में कहाँ आपको कोई हेल्प मिले ना मिले, वेदर भी अच्छा हो रहा है, गाड़ी में तो मुझे इतना पता भी नहीं लग रहा वैसे।
अभी ना थोड़ी देर पहले रोड के बीच में ना इतना बड़ा मतलब प्रॉपर फुल साइज स्नेक था, बिल्कुल रोड के बीच में फुल साइज। अब मैंने उसको बचाने के चक्कर में ना गाड़ी इधर उधर कर दी, बट ना फिर मुझे उसके तो रोड पे दिखा नहीं, पता नहीं वो इतनी तेज भाग गया और मुझे एक डर है कहीं मेरी गाड़ी पे ना चढ़ाओ, बस कहीं मैं उतरूँ और फिर वो मेरे को डसने के लिए रिवेंज लेने के लिए बैठा हो, बस मुझे यही डर है सांप मेरे को डस ना ले। गाड़ी के अंदर तो नहीं आ सकता ना, नहीं वैसे गाड़ी के अंदर तो गाड़ी तो पैक्ड होती है, कहीं वो गाड़ी पे चढ़ गया और बम्पर पे बैठा और कहता आ बेटा तू बाहर निकल मैं तेरे को बताऊंगा, बहुत ही बुरा हो जाएगा मेरे साथ। अब जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ वहाँ से सीधा 20 किलोमीटर आगे जाके आएगा बहल। वक्त हो रहा है 12 बजने वाले हैं, 5 मिनट में 12 बज जाएंगे। हाफ वे से थोड़ा पहले तक तो मैं पहुंच ही चुका हूँ, बट ये कि अब जो 150 किलोमीटर आएंगे ना उसमें लैंडस्केप चेंज होने लग जाएगा। जैसे अभी हरियाली है और रेत बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी देर में रेत आने लग जाएगी। हरियाली तो होती है राजस्थान में भी, बट यह थोड़ी रेत भी आ जाती है। लोगों का ना जैसे परसेप्शन है कि राजस्थान में सिर्फ टीले ही होते हैं और रेगिस्तान होगा और थार डेजर्ट होगा, ऐसा नहीं है, राजस्थान भी बहुत हरा भरा है, वो प्रॉपर रेत वाली जगह और सैंड ड्यून्स जैसलमेर और एकदम एंड वाले राजस्थान में आते हैं जो मतलब एक्सट्रीम रिमोट एरियाज एकदम पीछे बॉर्डर की तरफ को, वहाँ पर है प्रॉपर सैंड ड्यून्स। बीच में तो आपको छोटे मोटे टीले देखेंगे, अगर आपको प्रॉपर टीले देखने तो जैसलमेर जाना पड़ेगा आपको। अब मैं ये किसी गोल चक्कर के पास आ गया हूँ, मुझे ऐसे गोल चक्कर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा एकदम छोटे से होते हैं और यहाँ पर पूरा गांव बसा होता है इनके आसपास, खूबसूरत, यहाँ लोग बड़े कम होते हैं ना। और यहाँ पर ही एक दुकान थी, ये एक दुकान है यहाँ पर गुलाब जामुन रसगुल्ले वाला, यहाँ पर मैंने 5 साल पहले चाय पी थी, वहाँ पर मैंने चाय पी थी जब मैं फर्स्ट टाइम आया था 4 या 5 ईयर्स पहले। इस रोड पर ऐसे गोल चक्कर वाले छोटे छोटे कस्बे आएंगे पर मज़ेदार बड़े खूबसूरत लगते हैं, और रास्ता तो भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और गांव में सारा नेचुरल प्रोसेस हो रहा होता है, लकड़ियाँ कट रही होती हैं, ट्रैक्टर चल रहे होते हैं, वो क्या बोलते हैं उसे, क्या काव डंग से क्या बनाते हैं, उपले पड़े होते हैं, है ना, उपले ही बोलते हैं ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, विदाउट बीइंग ऑफेंसिव। आंटी जा रही हैं अपनी हार्वेस्ट लेके पीछे जस्ट, वाओ इतनी धूप में भी इतना अच्छा लग रहा है, कलर्स एकदम ना बहुत ज़्यादा अच्छे से सैचुरेट हो रखे हैं, कोई कलर ग्रेड करने की जरूरत नहीं है। ये देखो ताऊ ने गाड़ी बीच में ला रखी है भाई, के करूँ भाई मैं साइड पे चला जाऊँ के, यहाँ था भाई पानी भर रहा के हो, इब के करूँ भाई, थोड़ा सा बैट स्ट्रेच आया, कोई बात नहीं आई मैनेज। दोस्तों ऑफिशियल राजस्थान में एंट्री हो गई, कैमल आ गए हैं, कैमल द शिप ऑफ द डेजर्ट्स। दोस्तों मैं राजस्थान एंटर कर चुका हूँ, बट बीकानेर यहाँ से अभी भी 253 किलोमीटर दूर है, लेकिन हाफ वे थ्रू ही लैंडस्केप पूरा बदल चुका है। ये देखो आप, वो हरी हरी जगह नहीं बची, अब रेत आ चुकी है और वहाँ पर देखो प्रॉपर टीला है, रेत का प्रॉपर टीला है, क्योंकि ये बरसातों का वेदर है। और जैसे आपने हमारी द किक्यास कार ड्राइव वाला व्लॉग देखा होगा ना, उसमें भी हम बरसातों में बीकानेर आए थे, तो मुझे तो पूरे बीकानेर पहुँचते पहुँचते तक ही टीले नहीं दिखे थे क्योंकि हर जगह घास उग गई थी बरसातों की वजह से। तो शायद अभी भी वही हो रहा होगा क्योंकि अभी थोड़ी बहुत बरसात तो हुई है। मेरे को पहुंचने में थोड़ी देर और लगेगी, 3-4.5 घंटे के आसपास लगेंगे, एंड मैं कुछ बाहर उतर के खाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे कोरोना वायरस फैला हुआ है। कितनी अजीब बात है ना कि मैं इंटरस्टेट ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं बाहर उतर के खाना नहीं खाऊंगा, बट नहीं मैंने बिस्किट और चिप्स वगैरह रखे हैं अपने लिए, चिप्स मैं खा चुका हूँ तो मैं बिस्किट खा लूँगा अभी थोड़ी देर में रुक के, क्योंकि तुम्हारा भाई डाइटिंग भी तो कर रहा है, वेट गिरा रहा हूँ मैं, व्लॉग्स में मुझे लोगों ने मोटा बोला था, एडवोकेट पर्सनली। सादुलपुर आ चुका है, वो सादुलगंज नहीं था, वो सादुलपुर है, सादुलपुर और राजगढ़ एक ही आसपास की जगह है। यहाँ से एग्जैक्ट 250 किलोमीटर बचा है बीकानेर, एंड इट विल टेक मी 4 more hours टू रीच बीकानेर, एंड मैं 5 बजे के आसपास पहुँच जाऊँगा क्योंकि अभी बज रहे हैं 1, क्योंकि थोड़ा व्लॉग भी करना होता है ना, इसलिए थोड़ा टाइम बढ़ता रहता है। ये आगे है ट्रेन की क्रॉसिंग और आगे है रोड बहुत 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 ही ज़्यादा ख़राब, तो चलो दोस्तों चलते हैं आगे मिलते हैं। गाइस जब आप देख ही पा रहे हो कि हम प्रॉपर राजस्थान में आ चुके हैं, मेरे चारों तरफ डेजर्ट आ चुका है, तो अब बात करते हैं ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की और इंटरस्टेट परमिशन और इंटरस्टेट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की, क्योंकि ये चल रहा है अनलॉक 2.0। तो जितनी स्टडी मैंने करी कल आने से पहले, तो मेरे को यही पता लगा कि अनलॉक 2.0 में आपको इंटरस्टेट ट्रैवल करने के लिए कोई भी ई पास की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप अनलॉक 2.0 में इंटरस्टेट फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो और आप किसी भी स्टेट में जा सकते हो, चाहे आप बिजनेस पर्पज से जा रहे हो, चाहे आप ट्रैवलिंग पर्पज से जा रहे हो, या फिर आप कमर्शियल काम कर रहे हो तो भी आप इंटरस्टेट ट्रैवल कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि अनलॉक 2.0 में स्टेट्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है
और वो किस तरीके से लोगों को वेलकम करना चाहते हैं, मतलब कि अगर एक स्टेट में ज़्यादा कोविड 19 के केसेस हैं एंड दे डू नॉट वांट पीपल टू कम टू देयर स्टेट, सो दे कैन सिंपली उधर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं एंड आप वहाँ पर नहीं एंटर कर सकते। बट अभी ऐसा कहीं पर भी नहीं है। जो मेन तीन जगह है जहाँ पर थोड़ी सी परमिशन वगैरह की जरूरत है वो है हिमाचल, उत्तराखंड और गोवा, क्योंकि ये तीनों ही टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। यहाँ पर आपको जाने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई ई पास की जरूरत नहीं है, बट आपको कोविड 19 का टेस्ट चाहिए होगा जो आपने 72 घंटे पहले ही कराया हो, मतलब उससे पुराना नहीं चलेगा, 72 घंटे तक वैलिड है वो। तो आप एंटर कर जाओ, कितने भी दिन स्टे कर सकते हो, एक हफ्ते तक एक होटल बुकिंग ले सकता है। तो बस एक यही ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है कि कोविड 19 का टेस्ट अब कई स्टेट्स मांगेंगे। बाकी मैं दिल्ली से राजस्थान आ चुका हूँ, हरियाणा होते हुए मुझे एक बार भी कहीं नहीं रोका, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्टेट कि वहाँ की गवर्नमेंट क्या चाहती है एंड वो किस तरीके से नॉर्म्स हैं उनके। तो आप वरी मत करो, आप इंटरस्टेट ट्रैवल कर सकते हो, बस अपनी तैयारी रखो, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, बाकी कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे इंडिया खुल रहा है, आज रोड पे मैंने बहुत ट्रैफिक देखा, गाड़ियां यूजुअल से कम थी बट हाँ गाड़ियां थी, और ट्रक्स वगैरह तो चल ही रहे आराम से। तो बस अब 200 किलोमीटर के आसपास कुछ बीकानेर बचा है, आ जाएगा थोड़ी देर में, बस रेगिस्तान देख लो तब तक आप मेरे आसपास का। दोस्तों आओ आपको कुछ दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, ये देखो दोस्तों मैं ऑलमोस्ट बीकानेर पहुंच गया हूं। अभी मैं राजलदेसर में खड़ा हूं और यहां से ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर ही रह गया है बीकानेर। अब मैं एक घंटे तक मैं बीकानेर पहुंच जाऊंगा। मैं बस आपको ये सैंड ड्यून दिखाने के लिए रुका था, क्योंकि मैं हमेशा जब भी आता हूं ना तो बीकानेर पहुंचने से पहले ये सैंड ड्यून हमेशा बहुत अमेजिंग लगते हैं। थोड़ा मैं रोड से साइड हो जाता हूं, मैं यहां पे रुका हूं आपको दिखाने के लिए कि देखो बीकानेर कितना पास आ गया और मैं बिल्कुल सैंड ड्यून के ऊपर खड़ा हूं। यहां से श्री डूंगरगढ़ आएगा, उसके बाद सीधा बीकानेर। एक थंबनेल ले लेते अच्छा सा, है ना, सैंड ड्यून पे खड़े तो, है ना, बहुत धूप आ रही है। मैंने दोस्तों कहीं पर भी रुक के खाना वाना नहीं खाया, फिर मेरे को डिस्टेंस भी कवर करना था और मुझे कोमल ने एक ऐसी बात बोल दी थी, वो कहती कि तू 6 बजे से पहले बीकानेर आ जा वरना बीकानेर में लग जाएगा लॉकडाउन और कर्फ्यू। तो फिर मैं व्लॉग भी कर रहा था साइमल्टेनियसली एंड मैं डिस्टेंस भी कवर करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने कहीं रुक कर खाना नहीं खाया। तो बस अब मैं कहीं रुकूंगा नहीं और इसके बाद मैं आपको सीधा घर पर मिलूंगा कोमल के साथ। इतने दिनों बाद, 4 महीने के बाद मैं कोमल के साथ मिलूंगा एंड हम दोनों साथ में एक साथ एक स्क्रीन पे एक कैमरे पे व्लॉग करेंगे। इट विल बी स्पेशल, इसीलिए आया हूँ मैं यहाँ पे। वेदर अच्छा हो गया, जब टाइम हो गया 4 बज गया, मैंने यहाँ पर आके थोड़ा बहुत शूट कर लिया, अब 5 बजे तक बीकानेर पहुँच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आओ फिर घूम कर आते हैं। फाइनली बीकानेर पहुंच चुका हूं, मेरी आज की राइड खत्म हो चुकी है, लेकिन कोई भी बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूं। हम दोनों सेम स्क्रीन में, ऑनलाइन नहीं है हम। अब आपको हमें डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन पे नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि हम साथ में आ गए हैं, जिस बात का आप लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे, इतने कमेंट्स हमें सब लोगों ने भेजे और इतनी गालियां भी दी। मजा नहीं आ रहा व्लॉग में, मजा नहीं आ रहा, कुछ नया करो, बाहर जाओ, ये करो, आ गया मैं, कर दिया, थोड़ी फील नहीं आ रही ना अपनी। नहीं कुछ, अब जैसे रणधीर बोला था, कुछ भी करने से पहले, एक मेरी भी शर्त है, कुछ भी करने से पहले हम एक बार वापस शुरू से शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रे आर्टिस्ट, दिस इज रणधीर प्रताप सिंह एंड दिस इज कोमल सिंह सीरा एंड वी आर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम बीकानेर। एंड मैं बीकानेर इसीलिए आया था कि हमारे पास अब कंटेंट नहीं बचा था एंड हम खुद भी बोर हो गए थे वो ऑनलाइन वाला और वो क्वारंटीन एडिशन टाइप का काम कर करके। देखो हमें पता है कि आपको हमारे किस टाइप के व्लॉग ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो हमें व्यूज से पता लग जाता है, लेकिन क्योंकि क्वारंटीन का टाइम था, हमने आपको वीडियोस में भी बताया कि हम चाहते थे कि हम वीडियो अपलोड करते रहें ताकि आप लोग हमसे जुड़े रहें। हमें भी पता है कि आप सबको वीडियो हमारे साथ में पसंद आती है, तो अब हम साथ वाला कंटेंट भी डाल सकते हैं एंड
एंड मेरा मेन रीज़न आने का बीकानेर में यही था, मैं किसी और मैं कोई घूमने के पर्पज से नहीं आया था, मैं सिर्फ इसलिए आया था कि मेरा चैनल सफ़र कर रहा था एंड मुझे कोमल को लेना था कि मैं कोमल को यहाँ से लेकर दिल्ली चला जाऊँगा, फिर हम खूब सारा कॉन्टेंट बनाएंगे आप लोगों के लिए ताकि हमारा चैनल भी ना सफ़र करे और ताकि हम जिस तरीके का कॉन्टेंट बनाते हैं एंड जो चीज़ें हम कर सकते हैं, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको पूरे तरीके से काम को कर निखार के बाहर आए हम, निखर के बाहर आए। आज मैं ना इसका सुबह से वेट कर रही थी, मैंने कहा चल तू आराम से चलना लेकिन टाइम से पहुंच जाना, क्योंकि ये चलाता है गाड़ी, जैसे आपको पता है ये धीरे धीरे गाड़ी चलाता है, अपने मजे करते आता है, बीच में इसने इतनी बार रुक के फोटोज ली होंगी या इतनी बार बैठ के इसने, आप सोचो सुबह से व्लॉग बना रहे हो कितने सारे एंगल चेंज हुए हैं, एक ही बंदा चला रहा है गाड़ी और एक ही बंदा शूट कर रहा है। ये बात है कि ये व्लॉग करते आया, ये सुबह 8 बजे चला था और ये 6 बजे पहुंच गया था घर पे। मतलब अगर मैं नॉर्मली जो मेरी स्पीड है उसमें अगर मैं 8 बजे चलू ना तो मैं 8-9 बजे 12 घंटे लगाऊंगा, क्योंकि मैं स्पीड में नहीं आता, मैं एंजॉय करते आता हूँ और जगह जगह रुक के खा पी के आता हूँ। जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो मैं पूरा टाइम लेता हूँ, उसमें मुझे कोई जल्दी नहीं है, फिर भी लड़का टाइम से घर पे पहुंच गया। तो बस अब कोमल और मैं मिल चुके हैं, नई नई वीडियोस आएंगी, कहानियां वाले एपिसोड भी आएंगे, बहुत लोग बोल रहे हैं कहानियां वाले हम इतने दिन से कहानियों का एपिसोड शूट करना चाह रहे थे, लेकिन ना वो हमें एक जो उसका ऑरा वो हम बना नहीं पा रहे किसी जगह पे जाके, क्योंकि एक तो हम साथ में भी नहीं थे और अगर हम ऐसे आपको कहानियां सुनाए तो वो मजा नहीं आएगा, इसीलिए हम अब साथ में तो कहानियों वाले एपिसोड आएंगे, आप लोग कहानियां सुना। तो बस फिर ये वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, एक नई वीडियो लाएंगे, इधर से हम डेली वापस भी जाएंगे तो उसका भी एक ब्लॉग होगा, तो आप उसके लिए वेट करो, फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप ये वीडियो हमारी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सेकंड टाइम देख रहे हो, थर्ड टाइम देख रहे हो, लेकिन आपने फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर तीनों पे फॉलो कर लो, तीनों के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।